हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे वेट लॉस सोया टिक्की रेसिपी विद टमाटर की स्पाइसी एंड मीठी चटनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम उबलते हुए पानी में इन सोया चंक्स को डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट तक और फिर इसको हम वॉश कर लेंगे। सोयाबीन गर्म पानी में 5 से 6 मिनट तक था, अब इसमें से हम इसको अच्छे से धो लेंगे ठंडे पानी से और इसमें जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो झाग जैसा आता है उसको हमें पूरा एकदम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। सोया बड़ी को मैंने अच्छे से ठंडे पानी से धो के साफ कर लिया है। अब हम इसका कीमा बना लेंगे। पूरा का पूरा सोयाबीन हम मिक्सी में ट्रांसफर कर देंगे। सोयाबीन हमने मिक्सी में ट्रांसफर कर लिया है और हम कर लेंगे अब इसका एक रफली पेस्ट। सोया का कीमा रेडी है। अब हम इसमें एक एक करके डाल लेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम डालेंगे बॉयल्ड आलू। मेरे पास यहाँ पे 2 आलू है जिसको मैंने बॉयल करके रखा है। अब डालेंगे ये हरी मिर्ची, प्याज, फिर डालेंगे ये एक कुटा हुआ 3 से 4 लहसुन की कलियां, डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया, फिर डालेंगे ये भुना हुआ जीरा का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैश कर लेंगे। पूरा मिक्सचर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे। हाथ से गोल राउंड एंड राउंड घुमा के इसको अच्छे से हम लोग टिक्की बना लेंगे। टिक्की का शेप दे देंगे इसको। पूरे मिक्सचर को टिक्कियों का शेप दे दिया है। अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैंने पैन गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी। आप चाहें तो तेल से भी ग्रीस कर सकते हैं, मैं घी से इसे थोड़ा ग्रीस कर लूंगी। ये मेरे पास चावल का आटा है। अब मैं एक एक टिक्की को थोड़ा इसमें रोल कर लूंगी और धीरे धीरे पैन में प्लेस करती जाऊंगी। एक तरफ से सिक जब जाए तब आप उसको पलट सकते हैं बड़ी ही सावधानी से। और इसी बीच में हम सेंटर में थोड़ा सा घी डाल देंगे, डाल के इसे चारों तरफ फैला देंगे। टिक्की दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है। अब हम बनाएंगे इसके साथ टमाटर की स्पाइसी और मीठी सी चटनी। इसके लिए मैंने 2 टमाटर ले लिया है और 1 मिर्ची ले ली है, हरी मिर्ची। इसको हम थोड़ा सा बर्न कर लेंगे गैस के ऊपर। टमाटर को मैंने अच्छे से जला लिया है। अब हम इसका ऊपर वाला स्किन निकाल लेंगे, निकाल के इसको एक दरदरा सा पेस्ट कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक और डाल दूंगी थोड़ा जैगरी पाउडर। चटनी बनकर तैयार है, रेडी है टिक्की। जरूर बनाइए और इस चटनी के साथ ट्राई कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।